नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। साप्ताहिक राशिफल 7 मार्च से लेकर 14 मार्च तक का भविष्यफल लेकर मैं उपस्थित हूं और हम बात करेंगे आपके परिवार की, आपके रिश्तों की, आपकी शिक्षा की, आपकी नौकरी की, व्यापार की, लव लाइफ की, वैवाहिक जीवन की, संतान सुख की, देश विदेश की यात्रा की, और वो उपाय भी जानेंगे जिससे आपको राहत मिलेगी। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। शुरुआत करते हैं आपके करियर से। तो इस सप्ताह में तुला राशि वाले लोगों का नौकरी की अपेक्षा व्यापार में ज़्यादा अच्छा हाथ सेट होगा, यानी व्यापारी लोगों को ज़्यादा बढ़िया लाभ होगा। व्यापारी वर्ग माला माल हो सकता है, जिसका व्यापार विदेशी धरती से जुड़ा हुआ हो, उसको लाभ की और अच्छी संभावनाएं देखने को मिलेंगी। मकान आदि खरीदना, बेचना या किराए पर देकर आप अपनी एक एक्स्ट्रा इनकम को जनरेट कर सकते हैं। कारोबार में आपकी यात्राएं होंगी जो लाभदायक रहेंगी। नौकरी में छोटी मोटी सफलताएं भी आपकी हिम्मत को बढ़ाती रहेंगी। आप कोई नया व्यापार इस सप्ताह में शुरू कर सकते हैं। आयात निर्यात के कामों में आपको लाभ होगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और आपका सेहत भी अच्छी रहेगी। व्यवसाय में कोई बड़ी डील हो सकती है। कार्य क्षेत्र या परिवार में आपका कुछ नया बिजनेस शुरू करने की आप लोग तैयारी शुरू कर सकते हैं। पारिवारिक बिजनेस को और ऊपर ले जाने के लिए आप लोग प्रयासरत रहेंगे। किसी नए काम की शुरुआत बहुत जोरदार तरीके से होगी। ये आपका फैमिली बिजनेस भी हो सकता है, या फिर आप कोई नया क्रिएटिव आइडिया लेकर आएँ और मार्केट में उसको लॉन्च करें। अब बात करेंगे आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन में मतभेद की संभावनाएं हैं। पुराने झगड़े फिर से उभर कर सामने आ सकते हैं। पुराना प्रेम और पुरानी हरकतें जो आपने की होंगी अपने जीवन में, जो आप छुपा रहे होंगे दुनिया से, वो सामने आ सकती हैं। सावधान रहिएगा। पुराने मित्र मिल सकते हैं। मित्रता जो है प्यार में बदल सकती है। जो लोग प्यार के संबंधों में हैं, वो शादी के रिश्ते में भी जाने के लिए अपने परिवार वालों से बात कर सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग पाने के लिए आपको उनसे अच्छी बातचीत करनी होगी, उनसे प्यार से बात करनी होगी, उनके विचारों के साथ में अपने विचारों को मिलाना होगा, उनका सम्मान करना होगा, झगड़ों से बचना होगा। परिवार वालों पर रौब जमाना या खुद को बड़ा समझना, ये सब आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। इससे परिवार के लोगों से आपकी दूरी और ज़्यादा बढ़ेगी। सामाजिक और पारिवारिक लोगों से मिलना जुलना हो सकता है। परिवार में माता जी और आपकी पत्नी के बीच में थोड़ी तू तू मैं मैं हो सकती है, जिसकी वजह से थोड़ी टेंशन हो जाए और आपको ये समझ में ना आए कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं। आपके रिश्ते के मामले में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है इस सप्ताह में। अगर हम बात करें शिक्षा और संतान सुख की, तो 9 तारीख को आप पढ़ाई लिखाई में आपका मन नहीं लगेगा। आप चाहे बड़े हों या छोटे हों, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान को लगा कर रखने की जरूरत पड़ेगी। आपकी संतान का करियर सेट हो जाएगा। आप अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे आपके बच्चों को पढ़ाई लिखाई, करियर या नौकरी में राहत मिलेगी। बच्चे आपसे सीख सकते हैं बड़ों से। जो बच्चे नौकरी ढूंढ रहे हैं या जो बड़े अपने पर नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं, उनका भी काम बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो बच्चे बड़े खेल कूद से जुड़े हुए हैं, कोई किसी लेवल का खेल कूद करते हैं, जैसे चाहे क्रिकेट हो या फुटबॉल हो या हॉकी हो, उनका चयन किसी अच्छी टीम में हो सकता है या उनको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग मिल सकती है, और इससे आपका भविष्य भी बन सकता है। और 14 तारीख को विशेष दिन होगा शिक्षा के क्षेत्र में सफलता पाने का। आपकी संतान की तरफ से आपको सुख प्राप्त होगा और संतान की तरक्की भी होगी इस समय अंतराल में। सेहत की अगर बात करें, तो बदलते मौसम का ध्यान आपको रखना होगा। भोजन सही खाना होगा, नियमित रूप से खाना होगा। शुगर, हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को परेशानी बढ़ सकती है। दवाई वगैरह वक्त पर लेते रहें। अगर इस सप्ताह की हाइलाइट्स की बात करें, तो नया कारोबार की नींव रखने के लिए आपको मैं सलाह दूंगा। अच्छा दिन है। आपकी अपनी जो लव लाइफ है, उसमें आपको अपने मनपसंद पार्टनर मिल सकता है, यानी कि आप अपना पार्टनर ढूंढ सकते हैं अगर आपके जीवन में कोई साथी नहीं है तो। पैसों की कमी नहीं होगी। किसी अनजान पर भरोसा नहीं करना है। अपने चरित्र को साफ रखें। अपने प्रियतम या अपने जीवन साथी की नज़रों में ना गिरे, उनको धोखा ना दें। बिजली और आग से दूर रहें। जीवन साथी के गुस्से को शांत करने के लिए बातचीत करें और उनको मनाने की कोशिश करें। अगर वो बिगड़े हुए हुए तो आप भी बिगड़े हुए नजर आएंगे। भाग्य को मेहनत का सपोर्ट आपको देना होगा। भाग्य भरोसे मत बैठिएगा। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से और साथ में भांग चढ़ाने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और
ये सप्ताह और बेहतर हो सकता है अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बढ़िया है। अगर स्थिति बढ़िया नहीं है तो फिर तकलीफ भी हो सकती है। तो कैसे शिव का त्रिशक्ति कवच आपको अनेक मुसीबतों से बचाकर इस शिवरात्रि में सुख दे सकता है, आइए जानते हैं। तो अगर शिव आपके घर आ जाएं तो फिर आपकी तो किस्मत ही बदल जाएगी। तो कैसे शिव आएंगे आपके घर, ये भी जानिए आगे की वीडियो में। अब मैं आपको बताता हूं कि त्रिशक्ति कवच क्या होता है। ये है त्रिशक्ति कवच जिसमें तीन रुद्राक्ष डाले गए हैं, ओरिजिनल नेपाली रुद्राक्ष। नेपाली रुद्राक्ष इसलिए ओरिजिनल और बढ़िया फलदायक होता है क्योंकि वो मीठा बीज होता है, अच्छा बीज का फल होता है। और शिव को रुद्राक्ष बहुत पसंद है। कहते हैं जो रुद्राक्ष को धारण करता है वो शिव का बहुत क्लोज होता है, बहुत प्रिय होता है, शिव का अंश बन जाता है, उनके जिगर का टुकड़ा बन जाता है। और शिव उसको विशेष आशीर्वाद देते हैं और धरती आकाश पाताल में से कोई भी ऐसी चीज जो भी नकारात्मक हो उस इंसान को छू भी नहीं सकती। तो ये त्रिशक्ति कवच तीन रुद्राक्षों से बना हुआ है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का आशीर्वाद और भगवान शिव का आशीर्वाद है। इसको पहनने का फायदा मैं आपको बता देता हूं। शिव प्रसन्न तो ग्रह शांत, शनि शांत, शनि की साढ़े साथी शांत, काल सर्प दोष शांत, अनेक अशुभ प्रभाव शांत, ग्रहों की शांति। उसके साथ साथ तंत्र मंत्र भूत प्रेत बाधा शांत, शत्रु शांत, बच्चों की पढ़ाई तेज, व्यापार नौकरी में तरक्की। जहां पर आप जाएंगे शिव के रूप में आपको पूजा जाएगा या शिव के रूप में आपकी छवि बनेगी क्योंकि आप शिव का अंश हैं। इसको धारण करने के बाद कहावत है, मान्यता है, कई जगहों पर लिखा है कि जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है वो धरती पर भी परम सुख पाता है और मृत्यु के बाद भी शिवलोक को जाता है, बीमारियों से मुक्ति। और त्रिशक्ति कवच में बहुत सारी ताकतें हैं, एक्स्ट्रा ताकत, इसलिए ये विशेष है। अच्छे वर की प्राप्ति, घर में लड़ाई झगड़े हैं तो शांति, कर्जे चढ़े हैं तो मुक्ति, बहुत सारी चीजें हैं। शिव तीनों लोकों के स्वामी हैं और जब आप तीनों लोकों के स्वामी के प्रिय बन जाए तो आपको कष्ट नहीं हो सकता, ये तो आप भी जानते हैं। कैसे पहनना है, कब पहनना है, इसकी विधि विधान हम आपको सब बताएंगे। ये चांदी में मढ़ा हुआ और धागे में मढ़ा हुआ आपको प्राप्त होगा। इसकी कीमत है 2,400 रुपये जो कि धागे में होगा और 5,100 रुपये कीमत है जो कि चांदी में मढ़ा हुआ होगा। चांदी में पहनना या धागे में पहनना बात एक ही है, उसके प्रभाव में कोई फर्क नहीं आता है, बस चांदी की कीमत उसमें ऐड हो जाती है। मजबूती के साथ बनाया जाता है, ओरिजिनल है, सर्टिफिकेट के साथ आपको दिया जाएगा। विधि विधान से आपके घर कोरियर के द्वारा इन्हीं पैसों में भेजा जाएगा और आपको लाभ होगा। ये भी तय है, आप इसको मंगाने के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। L1 L2 2,400 रुपये और 5,100 रुपये का है और आप इसको लेकर जीवन में शिव के विशेष भक्त बन जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये त्रिशक्ति कवच आपके जीवन में खुशियाँ प्रसन्नता जरूरत से ज़्यादा लाए और आपको वो सब कुछ दिलाए जिसकी आपने कामना की थी, जो इतने वर्षों से आपको अभी तक नहीं मिला। मार्च 2021 में शिव की कृपा से आपको वो सब मिलने का शुभारंभ हो जाए। L1 लिखकर व्हाट्सएप करें। नमस्कार, जय शिव शंकर।